जिनको फोन किया उन्होंने नहीं मदद की, कोई बात नहीं, हम इसको करते, हम क्यों हिचकिचाए, हम उधर करते। मन बार बार प्रश्नों से घिरा रहता है और मन बार बार अपने आप को उनके जाने का जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देता है। हम में से कोई है जिनको मदद के लिए फोन आया था, हम मदद करना चाहते थे लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था, बेड अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हमने बहुत कोशिश की थी। आज हम अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं कि अगर हम कुछ और कर लेते, हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। हम में से बहुत ही फील करते हैं कि उन अंतिम दिनों में जब वो आईसीयू में थे, हम उनके साथ नहीं थे, वो अकेले रहे हॉस्पिटल में और अकेले ही चले गए। तो ये भी एक बहुत So you should cut like that and we are gonna go to the next step. You should cut like a phone shape. So let's go. So we done it three parts. So if you want to do, you can do one or two or three, you can do anything. Cardboard you should cut like first step. Cardboard cutting like a phone size shape. Then second is two, you can do how much, one row, second row, third row, you can do like that. So that's the steps. So we're done doing that and we are gonna do next step. Aaj bhi hain aur hamesha rahenge mera sneh aur duaen sada aapke saath hain. शांति के सागर, परमात्मा के शांति के वाइब्रेशंस आपके अंदर समाते जा रहे हैं। ஏன் மம்மி குட்டி பண்ணீங்கற? ஏன் குட்டி பண்ணீங்கற? சாந்தே. இந்த நாலு பெருசா இருந்துச்சு. இப்ப பாரு. ஆ. ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க. இந்த மவுண்ட் ரொம்ப குட்டியா தாக்குது. பட் பரவாயில்ல. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे। बस थोड़ा सा बुखार हुआ था, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हम उनके इलाज में ही तो लगे हुए थे। फिर अचानक हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन हमें पता था वो वापस आ जाएंगे। तो हमने कोई और बात की ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ उनका इलाज करवा रहे थे और फिर अचानक वो आगे चले गए अपनी नई यात्रा पर। लेकिन बहुत सारी बातें रह गई, हमें उनको बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ कहना था, उनसे पूछना था कि आगे हमें सब कुछ कैसे संभालना है, क्या करना है। उनकी शुक्रिया कीजिए, क्षमा मांगे, बताइए, बता दीजिए, मन पर कुछ बोझ है बताकर हल्का कीजिए, हर बात उनसे कीजिए और जो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस उनको नहीं जा रही, उनकी वाइब्रेशंस भी तो हमें जा रही हैं, लेकिन हमें अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा, शांत और स्थिर। जितना हम सही सोचेंगे, जो सच है वो सोचेंगे,
अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, प्यार से याद करेंगे, शुक्रिया से याद करेंगे, दर्द और शिकायत से नहीं, उतना हमारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जब यहाँ बहुत शोर होता है तो कैच नहीं होती बात, फोन इंगेज होता है ना, बात नहीं होती। इसी तरह इस शोर को शांत कीजिए, वो जो कह रहे हैं आपको वो बात ऐसे क्लियर पता चलेगी, ऐसे समझ में आएगी जैसे वो सम्मुख खड़े होकर कह रहे हो। टेलीपैथी, टेलीपैथी जो हमारी उनके साथ पहले भी होती थी लेकिन कभी कभी होती थी, अब तो कंटिन्यूस हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है। बस अपने मन को शांत और स्थिर करना है और जो कहना है वो सब कुछ उनको कहना है, और जो बात पूछना चाहते हैं वो भी पूछने हैं। इसको हम अभी करेंगे, लेकिन आप इसको रोज भी करिएगा, रोज करिएगा। वो रिश्ता ध्यान है, वो रिश्ता है, आत्मा और आत्मा का रिश्ता है। इट इज अ सोल टू सोल कनेक्शन। सुरक्षित हूँ, मैं आत्मा अपने मन की हर बात परमात्मा से कहती हूँ। अपनी गलतियाँ, अपनी कमजोरियाँ सब उन्हें सौंप देती हूँ। परमात्मा से चेकिंग मुझे समझ मिलती है, सही सोच, सही कर्म की समझ, हर बात का समाधान परमात्मा की शिक्षाओं से 10.5 and 19. अब आप उनको अपने सामने लेकर आइए। मन में जो बात है, कोई पुरानी बातें, किसी बात के लिए क्षमा मांगनी है या क्षमा करना है, कोई बात बतानी है, कोई बात पूछनी है, सब उनसे कह दीजिए। ग्रीन कलर इतना इतना इतना